हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही डिलीशियस लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, पर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लौकी को छिलकर तैयार करेंगे। लौकी को छिलकर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब हम इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। लौकी को ग्रेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे बारीक वाले ग्रेटर से ही इसे ग्रेट करें। सारी लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम लौकी को निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। लौकी में काफ़ी मात्रा में पानी होता है और हम सेम इसी लौकी से कोफ्ते बनाएंगे तो बेसन बहुत डालना पड़ेगा और कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। सारी लौकी का पानी हमने निकाल लिया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, सब्जी की ग्रेवी बनाने या आटा गूंथने में यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। तो कोफ्ते का मिश्रण अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन और भी डाल सकते हैं। कोफ्ते के बीच में डालने के लिए यहाँ पर हमने कुछ कटे हुए काजू बादाम और किशमिश लिए हैं। इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा सा कोफ्ते का मिश्रण लेंगे और इसे फ्लेट करेंगे। बीच में कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे कोफ्ते का शेप देंगे। तो इसी प्रकार से हम कोफ्ते बनाएंगे और कोफ्ते को बनाने के बाद तुरंत इसे तलने के लिए तेल में डालेंगे। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसी प्रकार से कोफ्ते बनाकर डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कोफ्ते को हमें फ्राई करना है। तेज आँच पर कोफ्ते को फ्राई किए तो कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बार में इतने ही कोफ्ते डालें कि आसानी से फ्राई हो सके। कोफ्ते को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद अब हम इसे पलटेंगे और गोल्डन कलर आने तक कोफ्ते को हमें फ्राई करना है। कोफ्ते पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर दिख रहा है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से सारे कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब हम पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। साथ में डालेंगे 2 हरी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 2 से 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, 7 से 8 लहसुन की कली जिसे मैंने रफली काट कर लिया है। 1 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने बड़ा बड़ा काट कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। और अब हम प्याज को हल्का गुलाबी कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा तो अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 काजू। आप चाहें तो काजू को स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। 3 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते।
तो 5 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम एक बाउल में लेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो ये मिर्च तीखी नहीं होती, केवल हम इसे कलर के लिए डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल, तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया था और इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। दो मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में जार में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसे भी डालेंगे। अब हम मसाले को ढककर 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 10 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है, बीच में हमने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गर्म पानी। पानी की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, पर मैं ये सब्जी गाढ़ी ग्रेवी वाली बनाऊंगी तो मैंने इसमें पानी कम डाला है। आप इसे थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर भी बना सकते हैं। अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 से 4 टेबल स्पून घर की फ्रेश मलाई जिसे मैंने अच्छे से फेट कर लिया है, आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। तीन से चार मिनट बाद शाही कोफ्ता बनकर तैयार है। इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। इस तरह से कोफ्ते की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे आप गर्मा गर्म लच्छा पराठा या नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।